आपको लास्ट लेक्चर में टास्क दिया था, आप सभी ने बिल्कुल उसे ट्राई किया होगा कि कैसे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और हमने क्या कहा था आपसे कि जैसे हमने 7 पर क्लिक करा तो 7 तो रहना ही चाहिए और उसके साथ साथ 8 भी आकर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 ही आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। मतलब 7 के बाद यदि आप 8 पर क्लिक करते थे कितना हो जाना चाहिए, 78 कुछ ऐसा। तो करना क्या हमें कि जैसे टेक्स्ट फील्ड में जो चल रहा है कंटेंट वो तो रहना चाहिए, उसके साथ साथ हमने जिस बटन पर क्लिक करा है वो भी, तो टेक्स्ट फील्ड में जो चल रहा है उसको हम फेच करवा लेते हैं। तो हमने लिखा tx1.getText, जो टेक्स्ट फील्ड में चल रहा है वो, प्लस उसके साथ साथ जिस बटन में हमने क्लिक करा है दोनों का हमने क्या करवा दिया, मर्ज करवा कर, ये भी स्ट्रिंग टाइप का, ये भी स्ट्रिंग टाइप का। और स्ट्रिंग में क्या होता है, कॉन्केटनेट होता है। जैसे 7 + 8 स्ट्रिंग के केस में कितना होता है, 78। ये तो सभी को क्लियर है। तो अभी यहाँ पर 7 सपोज चल रहा है टेक्स्ट फील्ड पर वो, और प्लस जिस बटन पर हमने क्लिक करा है तो दोनों को हमने कॉन्केट करवा करके इसमें स्टोर करवा दिया S5 नाम के वेरिएबल पे, और S5 को हमने क्या करवा दिया, यहाँ पर शो करवा दिया। कुछ इतना ही टास्क हमें करना था, कुछ इतना सा कंसेप्ट था यहाँ पर। एग्जाम्पल को यदि हम अब यहाँ पर क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 24 को अब हमने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया, और एग्जाम्पल नंबर 24 को अब हमने यहाँ पर रन कर दिया। और यदि हम यहाँ पर देखते हैं 7 पर क्लिक करा 7, 8 पर क्लिक करा 8 आ गया, जितना भी बटन है उस पर आप क्लिक करते हैं वो आकर क्या होते जाता है, डिस्प्ले होते जाता है। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पर सभी को। लेकिन एक यहाँ पर दिक्कत ये है, देखो जैसे B बटन है तो इसका मतलब बैक, C का मतलब है क्लियर, 1/x में डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्क्वायर रूट में। लेकिन आप यदि बी पर क्लिक करते बी भी आकर डिस्प्ले हो रहा, सी पर क्लिक करते सी भी आकर डिस्प्ले हो रहा, 1/x पर 1/x, SQRT पर SQRT, और इक्वल पर क्लिक करने पर इक्वल भी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बटन है ना, 1, 2, 3, 4 और 5 आ रहा है समझ में सभी को, कौन कौन सी 5 बटन यहाँ पर ध्यान से, 1 पूरा क्लियर है, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों बटन के केस पर जो इसका कंटेंट है वो आकर टेक्स्ट फील्ड पर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। इन पांचों बटन के अलावा यदि कोई भी बटन है तो उसका कंटेंट बिल्कुल टेक्स्ट फील्ड पर आकर क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ऐसा समझ में आप सभी को, कुछ हमें ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले तो इस लॉजिक को नोट करिए और फिर उसके बाद सोचिएगा जो हमने आपको कहा है। और बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉजिक है यहां पर, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो बिल्कुल सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए।